पर्सनल सवाल, तेजस्वी यादव आप शादी कब कर रहे हैं? आप प्रपोजल दीजिएगा तो हम लोग देखेंगे। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और शब्द बाड़ों से सत्ता पक्ष को बेधने वाले बिहार के तेज तर्रार युवा नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल टीवी चैनल एबीपी न्यूज द्वारा आयोजित कार्यक्रम बिहार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते वक्त मजाकिया अंदाज में बोलते नजर आए। तेजस्वी ने कार्यक्रम की शुरुआत में बड़ी बेबाकी से राजनीतिक प्रश्नों का जवाब दिया, साथ ही अपनी चिर परिचित शैली में विरोधियों पर व्यंग बाण चलाते भी नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी के मसले पर भी खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। किसको किसके साथ रहना है, किससे अलग रहना है, ये उनकी निजी और पारिवारिक मामला है, इसे सार्वजनिक मंच पर नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन जब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर था, तब एंकर रूबिका लियाकत ने उनसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे, जिसका उन्होंने बड़े ही मजाकिया लहजे में जवाब दिया। जब लियाकत ने पूछा कि तेजस्वी यादव आप शादी कब कर रहे हैं, इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा, आप प्रपोजल दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। इस बयान के बाद हॉल में जमकर ठहाके लगे, जिसके बाद तेजस्वी ने कहा, आप प्रपोजल दीजिए से मेरा मतलब था कि अगर आपके नजर में कोई लड़की हो तो बताइए, हम विचार करेंगे। जाते जाते एक पर्सनल सवाल, तेजस्वी यादव आप शादी कब कर रहे हैं? आप प्रपोजल दीजिएगा तो हम लोग देखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनको कैसी लड़की चाहिए। अपनी पसंद बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको ऐसी लड़की चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। इसके बाद एंकर ने पूछा कि तेज प्रताप की तो शादी हो चुकी है। इसका जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं, चिराग पासवान भी मेरे बड़े भाई हैं। इसके बाद उन्होंने एंकर से आग्रह किया कि उनके बाद लोजपा सुप्रीमो राम विलास पासवान के पुत्र, लोजपा संसदीय बोर्ड के चेयरमैन और जमुई सांसद चिराग पासवान आ रहे हैं, उनसे भी यही सवाल पूछा जाए। चिराग के बारे में बोलते हुए तेजस्वी ने कहा, चिराग पासवान मेरे बड़े भाई हैं, उनसे पूछिएगा कि वो विवाह कब कर रहे हैं, एक बार वो कर लें तो मैं भी जाकर मम्मी पापा से कह सकूंगा कि अब तो उनकी भी हो गई, अब मेरी ही बारी है। एंकर द्वारा राहुल गांधी की शादी के सवाल पर उन्होंने हंसते हुए कहा, अब आप लड़ाई लगाने वाला काम कर रहे हैं। इसके बाद तेज प्रताप के तलाक अर्जी पर बिना किसी सवाल उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आपका अगला सवाल क्या होगा। जाते जाते एक पर्सनल सवाल, तेजस्वी यादव आप शादी कब कर रहे हैं? आप प्रपोजल दीजिएगा तो हम लोग देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।